बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम हरदपुंजू इलाके में मौजूद हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे CRPF 181 बटालियन की तरफ से एक फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ जो पेशेंट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे जितने भी अमराज में मुबतला लोग हैं उनका इलाज यहाँ पे किया गया और फ्री यहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट उनके लिए किया गया। खासकर मैं आपको बता दूंगा कि हमने यहाँ के जो कमांडेंट ऑफिसर है राम लखन, हमने उनके साथ जब बात की तो उनका कहना है कि हमारा ये इनिशिएटिव है कि कश्मीर को अगर भी कहीं पर भी कोई गरीब मुफलिस हो तो उनके लिए फ्री हम मेडिकल कैंप्स लगाएंगे। यहाँ अगर रूरल एरियाज़ की बात करें तो रूरल एरियाज़ में आमतौर पर हमने देखा कि बूढ़े बुजुर्ग जो है वो काम करते हैं और उनको जॉइंट्स में जो है वो प्रॉब्लम रहती है, उनके लिए हमने यहाँ पे ये जो मेडिकल कैंप फ्री रखा है। और ये जो हरदपुंजू इलाका है यह एक बड़ा इलाका है, तो लोग जो है वो यहाँ पर आए और यहाँ पर अपना ट्रीटमेंट करवाया, यहाँ के मुकामी लोग जो है उन्होंने भी अपना ट्रीटमेंट करवाया। तो और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं अपने कैमरा मैन से कहूँगा कि वो विजुअल्स में दिखाएंगे, ये जो यहाँ पे डॉक्टर साहबान है या बाकी तिब्बी अमला यहाँ पर है वो यहाँ पर इनको ट्रीटमेंट दवाई दे रहे। जितने भी अमराज से यहाँ पे लोग आए थे, इस इलाके के दूर दूर गांव से लोग आए थे और यहाँ पे अपना इलाज कराया, तो हम इसमें यहाँ पे CRPF 181 बटालियन की यहाँ पे एक खास काबिश ये रही, तारीफ करना चाहेंगे, क्योंकि इस एरिया में ऐसे कैंप्स फ्री मेडिकल कैंप्स करना ये एक बड़ी बात होती है। और साथ ही साथ जब हमने कमांडेंट ऑफिसर से बात की राम लखन से, तो उनका कहना है अब ड्रग्स पे बात करेंगे, क्योंकि हमारे कश्मीर के जो नौजवान हैं वो ड्रग्स की ओर अब माइल हो चुके हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि ड्रग्स को रोके, कंप्यूटर ट्रेनिंग देंगे, उनको सिखाएंगे कि गरीब बच्चों को किस तरह से पढ़ाएंगे, गरीबों का साथ हम देंगे। और जो कश्मीर और हिंदुस्तान की हम बात करेंगे, कश्मीर और हिंदुस्तान को मिलजुल कर हम आगे बढ़ाएंगे। मजीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। मकसद है कि हम यहाँ पे हम लोग हैं तो आवाम के साथ हम जुड़ सकें, उनके दुख और तकलीफ को हम लोग समझ सकें, उनकी जरूरतें क्या हैं। सारी जरूरतों को तो हम पूरा नहीं कर सकते, लेकिन जो बेसिक बुनियादी जरूरतें हैं, जैसे कि ये हेल्थ का इशू हो गया, तो उसके बारे में हम जितना भी इन लोगों को मेडिकेट कर सकें, फैसिलिटेट कर सकें, यही हमारा मकसद है बेसिकली। और जो हमने यहाँ पे देखा, ये जो ग्रामीण एरिया है, रूरल एरिया है, पिछड़ा तबका है, ठीक है ना, गुजर हैं, बकरवाल हैं, तो पिछड़े एरियाज में इन सब चीज़ों की कहीं ना कहीं कमी नज़र आती है, तो उसको हम लोग चाहते हैं कि जैसे यहाँ पर हमने देखा कि औरतें बहुत काम करती हैं, बुज़ुर्ग काम करते हैं, औरतों के में न्यूट्रिशंस की कमी है, आयरन की कमी है, कैल्शियम की कमी है, जो ओल्ड एज लोग हैं काम करते हैं, वजन उठाते हैं, उनके जॉइंट्स पेन हो जाते हैं, वेस्ट में पेन हो जाता है, तो ये सब चीज़ों का, और ठंड आने वाली समय तो ज़्यादा बढ़ेगा, उसी को हम लोग ध्यान में रखते हुए ये कैंप ऑर्गेनाइज किए हैं। बिल्कुल, हम हमारा ड्रग्स को रोकने के लिए अवेयरनेस हम लोग चाहते हैं कि उसको जो यूथ है यहाँ का, युवा है, उसके साथ जुड़ें, उनको साथ अपने साथ एसोसिएट करें, चाहे स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो, चाहे एजुकेशन की एक्टिविटी हो, ठीक है, लाइब्रेरी हम लोग अपने, और हम कैंपों में हम कोशिश करते हैं कि हम उन्हें फिजिकल एजुकेशन दें, तैयारी करें वो, कि और जितने भी हिंदुस्तान के और JNK की सर्विसेज हैं जो कम्पिटेटिव एग्ज़ाम हैं उनके लिए तैयार करें, उनके लिए वो जान सकें, उनकी तैयारी करें, ताकि जो जितनी भी जो बुरे लत हैं, ड्रग्स का है और भी कई चीज़ें हैं, तो उनसे वो दूर, उनको दूर रखा जा सके। बस मेरी तरफ से यही है कि हम लोग मिलजुल करके सभी यहाँ के आवाम को साथ में लेकर के हिंदुस्तान और कश्मीर की तरक्की की बात करें।